सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल कौशिक GS Academy पर स्वागत है। इस क्लास में बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए इतिहास के उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक GS Academy से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि DLED एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो पुस्तक है ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक भवभूति थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्धे कौन थे? तो आपको बता दें कि प्राचीन भारत में बौद्धे एक गणतांत्रिक जनजाति था। क्या था? एक गणतांत्रिक जनजाति। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो आपको बता दें कि इन तीनों धर्मों में कर्मवाद का सिद्धांत क्या है, एक जैसी है। क्या है? कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी फेमस था। देश और विदेशों से लोग यहाँ पे अध्ययन करने आते थे। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपको बता दें कि जो विदेशी यात्री जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था वो था मेगा अस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मेगा अस्थनीज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था वो था कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये दोनों विद्या का अध्ययन केंद्र था। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में। कहाँ पे मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की? तो आपको बता दे कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, तामारसम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये लोग इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर क्या करते थे? दफनाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। सबसे पहले तांबा की ही खोज हुई थी। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? तो हितोपदेश के लेखक का नाम है क्या? नारायण पंडित। क्या नाम है? हितोपदेश के लेखक का नाम है नारायण पंडित। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना की किसने? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है?
तो नवीनतम समझा जाता है क्रो मैग्नन मानव को। सबसे नवीनतम मानव कौन है? क्रो मैग्नन मानव। अगला प्रश्न कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो आपको बता दें कि तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स ब्लिकिंस कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चार्ल्स ब्लिकिंस। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज कहा जाता है किसे? ताम्र पाषाण युग को। किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या था? विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम था मनीग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक था विशाखा दत्त। कौन था? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो अपने शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी। क्या है? ब्राह्मणी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आपको बता दें कि ये प्राप्त होती है अरिकमेडु से। किससे? अरिकमेडु से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत है स्वनियंत्रण। क्या है? स्वनियंत्रण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। किसने? जेम्स प्रिसेप ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में वो है शाहबाजगढ़ी। कौन सा अभिलेख है? शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मास्की अभिलेख। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है राखीगढ़ी से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो उक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दें कि रोपर स्थित है सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सतलज नदी। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा स्थित था किस नदी के किनारे? ये था चिनाब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चिनाब नदी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। किसमें? जात्रिक में। नेक्स्ट, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्या? त्रिशला। नेक्स्ट है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो भगवान गौतम बुद्ध को लाइट्स ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किसने? चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हीनयान संप्रदाय। कौन? हीनयान संप्रदाय। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? तो आपको बता दें कि अमित्रघात की संज्ञा बिंदुसार को दिया गया था। किसे दिया गया था? बिंदुसार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। कौन था? कुणाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या कर दी थी अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा जिसने सबसे पहले किया था वो था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।